लास्ट क्लास में हमने क्रीमिया वॉर पढ़ा था, जिसमें हमने क्रीमिया युद्ध जो हुआ था उसकी पूरा डिस्क्रिप्शन देखा था। कि थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, लास्ट वाला चैप्टर भी पढ़ा रही हूँ मैं, इसके बाद वाला द कॉजेज ऑफ वॉर 1853 टू 55 तक चला था। काला सागर के आसपास ये युद्ध हुआ था और दो पक्ष थे, एक पक्ष में फ्रांस, ब्रिटेन, सार्डिनिया और टर्क था, दूसरी तरफ अकेले तरफ से रशिया था। वैसे ये युद्ध को जो है इतिहास में मूर्खतापूर्ण युद्ध कहा जाता है और ये अनिर्णायक भी रहा, और इसका कारण भी मैंने बताया था आपको, स्लाववादी जो राष्ट्रीयता की ओवर नेशनलिज्म जो था, ये किसी का भी उत्तर नहीं आया मुझे इसमें मैप में, तो ये पूरा भर के मुझे भेजिए, फिर मैं सीसी के बारे में बात करूँगी। और स्लाइड रिपीट हुई है, और इस युद्ध का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया है, मतलब हमेशा जो है सिलेबस में पढ़ाया जाता है और इतिहास के एक महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल फिनामिना के नाम से, मतलब ये है ये क्रीमिया वॉर, और ईस्टर्न क्वेश्चन बन गया था, ये पूर्व की समस्या बन गया था, और हुआ कुछ नहीं था, एक धार्मिक विवाद को लेकर के ये युद्ध स्टार्ट हुआ था, क्योंकि जो फिलिस्तीन था जिसको पैलेस्टाइन भी कहते हैं, तो ये तुर्की साम्राज्य पहले ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता था या उस्मानी एम्पायर कहा जाता था इसको, तो टर्क पहले उसी के अंतर्गत था। और 1535 में क्या होता कि तुर्क का जो सुल्तान था उसने रोमन ईसाइयों के जितने भी जो कैथेड्रल्स थे, चर्च थे, तो उनकी देखभाल जो है फ्रांस के अंडर में कर दी थी, फ्रांस के सारे बिशप्स वगैरह इसको देखते थे, पादरी। और टर्की में जो यूनानी ईसाई लोग थे, जो कैथेड्रल थे, तो उनके सारे चर्च का पूरा देखभाल जो है रूस के अंडर में, जो मतलब जार होता था, वो सारे पूरे चर्च का लेखा जोखा देखता था। नेक्स्ट स्लाइड में है, तो इसी तरह से जो जो राष्ट्र के, जो जो देश के जो पादरी थे, बिशप थे, फादर थे, तो उन लोगों ने कहा कि हमारे धार्मिक संस्थानों का संरक्षण जो है किसी दूसरे राष्ट्र को क्यों दिया है, टर्की को क्यों दिया है, और टर्क का कैथेड्रल की जिम्मेदारी आपने मतलब रूस को दे दी। तो इस तरह से ये वाला मुद्दा एक तो उठा था, और इंग्लैंड भी, उसे भी ऐसा लगने लगा था कि कुस्तुनतुनिया पर यदि रूस का अधिकार हो जाएगा तो क्या होगा कि स्थल मार्ग से भारत के लिए वो बहुत जल्दी से प्रवेश कर लेगा, और उसका खुद का औपनिवेशिक राष्ट्र था भारत, एक कॉलोनी थी ना इंडिया, तो इसीलिए टर्क से जो है भारत का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा, इसलिए उसको इंग्लैंड को बहुत खतरा था उससे, और वो रूस के विरुद्ध टर्क की सहायता के लिए। फिर अब क्या हुआ, 1853 में ये सब हम पढ़ चुके हैं, किस तरह से उसने जहाजी जलबेड़ों ने जो है आक्रमण किया। फिर जब बाद में जो पेरिस की संधि हुई थी, तो उसमें ये कहा था ना कि सारा जो नेपोलियन ने पूरा यूरोप का मानचित्र बिगाड़ के रखा है, ओवरलैप करके रखा है, तो यूरोप की स्थिति नेपोलियन के पहले की जो स्थिति थी वैसे ही उस मानचित्र को सुधारने के लिए ऑस्ट्रिया में ये वेनिस पेरिस की एक संधि हुई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये भी हो गया था कि रूस काला सागर को तटस्थ क्षेत्र घोषित कर दिया जाए, कोई भी युद्ध पोतों का वहाँ पर, मतलब जो शिप्स हैं वहाँ पर आना उनको बंद कर दिया गया, निषिद्ध कर दिया गया, युद्ध पोत जो है काले सागर से जो ब्लैक सी है उससे सभी को हटा लेने पड़े। और फिर इस तरह से कुछ भी, इससे भी हल नहीं निकला। तो कॉजेज ऑफ वॉर हमको देखने थे, तो इसमें हम रशिया की पॉलिसी देखेंगे कि कॉजेज ऑफ वॉर में सबसे पहले जो युद्ध का कारण था, तो रशिया क्या चाहता था, क्योंकि एक सिनारियो तो देखना पड़ेगा ना, तभी तो युद्ध होते थे। इन लोगों की अपने सी एक नीति होती थी, राष्ट्रीयता की भावना के अंतर्गत जो भी पॉलिसी है बना के रखते थे कि हमको यहाँ तक इम्पीरियलिज्म करना है, नेशनलिज्म के अंतर्गत हमको अपने राष्ट्र का एक्सपांशन करना है, अपना युद्ध और अपना व्यापार जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, तो इनके जो आपसी जब स्वार्थ टकराते थे तो इस तरह से ये युद्ध हो जाया करते थे। तो रूस क्या चाहता था, 19th सेंचुरी में क्या हुआ था कि टर्की जो एम्पायर था, जिसको जो ऑटोमन एम्पायर के अंतर्गत था, उसका धीरे धीरे वो डिक्लाइन होता जा रहा था। तो बोलते हैं ना कि कोई भी बीमार व्यक्ति के ऊपर सभी का अधिकार हो जाता है, कोई भी कमज़ोर रहता है तो उसके ऊपर सभी अधिकार या
ताकतवर चीज़ जो है उसके ऊपर अपना अधिकार करने के लिए दौड़ती है। तो ऑटोमन एम्पायर में जैसे ही टर्की का डिक्लाइन होना शुरू हुआ, वो उसका पतन होना शुरू हुआ, तो सभी यूरोप के सारे राष्ट्र ये सोच रहे थे कि टर्क हमारे अंडर में आ जाए, और रूस उससे पास में था सबसे ज़्यादा। तो रूस ने बहुत ज़्यादा विशेष प्रयत्नशील था, क्योंकि वो टर्की के मामले में बहुत ज़्यादा रुचि लेने लग गया था, क्योंकि वो ये चाहता था कि तुर्की जैसे तैसे कमज़ोर पड़ जाए, ताकि बाल्कन में जो है वो अपना एम्पायर एक्सपांड कर सके। और इसीलिए बाल्कन जो प्रायद्वीप था उसमें इसने जो है रशिया ने एक ऐसी पॉलिसी की थी कि बाल्कन के लोगों को इसने भड़काना शुरू किया तुर्की के खिलाफ, एक आंदोलन कर दिया था, एक मोहम्मद अली का जो था ना, क्योंकि वो सीरिया चाहता था, आगे के उस पेज में देखेंगे अपन। तो रूस का उद्देश्य तुर्की को पूरी तरह से डिमोलिश करना था, और तुर्की साम्राज्य के खंडहर पर वो चाहता था कि अपना एक पूरा बड़ा साम्राज्य जो है खड़ा कर सके। और इसीलिए उसको जो है जब मौका मिला तो उसने जो है बंटवारे का प्रस्ताव रखा, किसने, रशिया ने। अब इंग्लैंड क्या चाहता था, इंग्लैंड जो है रूस की महत्वाकांक्षा का बहुत बड़ा विरोधी था, सीधा सी बात है, क्योंकि वो ये चाहता था कि भूमध्य सागर में रूस का प्रवेश जैसी होगा तो वो क्या करेगा, इंग्लैंड के लिए संकट क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो भूमध्य सागर पार करके कहाँ पहुँच जाएगा, सीधे इंडिया आ जाएगा। तुर्की पर रूस का अधिकार होने से और इंग्लैंड का जो इंडियन एम्पायर भी जो है उसका खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि वो एक औपनिवेशिक, उसने अपना भारत को उपनिवेश बना के रखा था, तो इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसके उपनिवेश में जो है रशिया भी आ जाए। तो इसीलिए इंग्लैंड भी अपनी ओर से ये चाहता था कि वो रूस के पक्ष में नहीं था बिल्कुल भी, और इसलिए उसने उसके खिलाफ अपनी पॉलिसी बनाई। फ्रांस क्या चाहता था, क्योंकि यूरोप के जितने भी बीमार राष्ट्र जो थे, मतलब बीमार राष्ट्र तुर्की पर, वो सभी चाहते थे कि उसके ऊपर अपना साम्राज्य करें, तो फ्रांस की भी नज़र अटकी हुई थी, क्योंकि नेपोलियन की युद्ध नीति क्या थी कि वो भी अपने, उसने किया था ना फ्रांस की क्रांति के बाद में, वो भी अपना फ्रांस का साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। तो लुई ने भी नेपोलियन की तरह ही अपनी पॉलिसी रखी, और वो भी तुर्की के मामले में हस्तक्षेप करना चाहता था, और इसीलिए उसने भी यही काम किया। और ये सारे ही पूरे कारण रहे जिसमें कि 1853 में अचानक रूस ने क्या किया, तुर्की पर आक्रमण कर दिया, और नॉल्डेविया, बेल्शेविया इस पर अधिकार कर लिया, और रूस पर इंग्लैंड और फ्रांस ने भी तुर्की को सहायता देने का आश्वासन दिया, और तुर्की को सहायता देने के लिए 1854 में इंग्लैंड और फ्रांस ने रूस को संयुक्त चेतावनी दी, और रूस की रूस जो है तुर्की का प्रदेश खाली कर दे। लास्ट में क्या हुआ कि सभी मित्र राष्ट्रों ने रूस को हरा दिया, और रूस पूरा तहस नहस हो गया, मतलब उसकी व्यापारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, बहुत सैनिक भी मारे गए, और इस तरह से जो है रूस की ज़बरदस्त पराजय हुई, और जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, टर्की और दूसरे रूस बिल्कुल अकेला था, और यह युद्ध 2 वर्षों तक चला, धनजन की हानि हुई, रूस पराजित हो गया, और 1856 में जो पेरिस की संधि हुई थी, तो युद्ध इसके द्वारा जो है फिर ये युद्ध समाप्त हो गया, और युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय, और रूस की मित्र राष्ट्र जो थे ना, फ्रांस, सार्डिनिया और इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, इटली, ये सब जो है मित्र राष्ट्र में आते थे, और रशिया ही की तरफ था, तो इस तरह से रूस की पराजय हुई और मित्र राष्ट्रों की विजय हुई। इसको पढ़िए, और जो भी आपके अगली क्लास में जो है मैं आपको सीसी के बारे में बताऊंगी, क्योंकि सीसी तो ऑनलाइन नहीं होंगे, लेकिन आप लोगों का प्रोजेक्ट जो है ना, वो असाइनमेंट आप सब अपने हिसाब से ले लेना, और ग्रुप में मुझे भेजना कि किस किस ने लोगों ने जो असाइनमेंट लिए। मैं कोई भी लिखित नोटिस नहीं दूंगी ग्रुप में, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि कौन सजग है और किस में अवेयरनेस है, कौन मेरा लेक्चर सुन रहा है, इसीलिए मैंने ये सबसे लास्ट में आपको जानकारी दी। जो नहीं समझेगा, नहीं पढ़ेगा और लेक्चर नहीं सुनेगा, तो उसको कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, सीसी में फेल।